प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 72 साल के हो गए हैं। लगातार पिछले 21 सालों से सत्ता में बने हुए हैं, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उनकी जो पारी शुरू हुई उसने इतिहास रच दिया। 2014 के चुनाव प्रचार से लेकर अब तक उन्होंने और भाजपा जो भी नारे दिए वो लोगों की जुबान पर चढ़ गए। आपको बताते हैं कि ऐसे ही कुछ नारों के बारे में जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पर पूरी तरह छा गए और पीएम मोदी की सकारात्मक छवि बनी। अच्छे दिन आने वाले हैं। इस नारे की शुरुआत 2014 में हुई। आम चुनाव के प्रचार के दौरान यूपीए की कथित महंगाई, भ्रष्टाचार और नाकामियों पर वार करते हुए पीएम मोदी ने यह नारा दिया था। लोगों को चुनाव के बाद इन दोनों समस्याओं से मुक्ति दिलाने का वादा किया था। नतीजा, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। अब की बार मोदी सरकार। 2014 में भाजपा ने जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया तो चुनावी अभियान का नारा दिया गया था, अब की बार मोदी सरकार। यह नारा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और पार्टी के पक्ष में लहर बन गई। हर हर मोदी, घर घर मोदी। लोकसभा चुनाव 2014 के प्रचार के दौरान पीएम मोदी वाराणसी गए थे। प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया। इसी प्रचार के दौरान उनके समर्थन में हर तरफ नारे लगे थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मेक इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रण लेते हुए पीएम मोदी ने दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों को निवेश करने और कारोबार करने का इनविटेशन दिया था। उन्होंने कंपनियों से यहां आकर प्रोडक्ट को बनाने और उसे दुनिया भर के बाजार में बेचने की गुजारिश की थी। इसी क्रम में उन्होंने मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई विकास योजनाओं की नींव रखी। विकास योजनाओं को देश की जनता को सौंपते हुए नारा दिया सबका साथ सबका विकास। इस नारे के जरिए देश के हर वर्ग के साथ लेकर चलने की प्राथमिकता तय की। मैं भी चौकीदार। जिस तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में कई नारे चर्चा में रहे, उसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक ऐसा ही नारा चर्चा में था। पीएम मोदी ने सभा के दौरान कहा कि किसी को देश के संसाधनों की चोरी नहीं करने देंगे। उन्होंने खुद को देश का चौकीदार बताया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बायो में भी चौकीदार लगा देखा, वोकल फॉर लोकल। यह पीएम मोदी का ऐसा नारा था जिसने उनकी छवि गढ़ने के साथ स्थानीय स्तर के कलाकारों को रोजगार बढ़ाने में मदद की। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए कहा, आज जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कभी न कभी एक स्टार्टअप ही रही होंगी।